study with me, a learning experience. Students, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक रेड सर्कल विद सेंटर ओ और हमने सर्कमस्क्राइब करना है हेक्सागन। हेक्सागन आपको पता है 6 साइड्स होती हैं, ज़्यादा हमें सर्कल के अराउंड 6 ऐसे पॉइंट चाहिए जहाँ पे हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें। सबसे पहले तो आप एक अदर डायमीटर बना लें AD, जो कि सबसे सिंपल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप बना लें। अब आप क्या करें कि एक रेडियस खोलें AO जितना कंपास की मदद से और एक आर्क ड्रॉ कर लें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। इनका नाम आपने दे दिया F और B। अब हमारा क्वेश्चन तकरीबन बस सॉल्व हो चुका है, मुश्किल काम हो चुका है। अब आपने क्या करना है, पॉइंट B से O को मिलाते हुए अगले पॉइंट E तक पहुंचा देना है। इसी तरह पॉइंट F को O से मिलाते हुए C तक पहुंचा देना है। अब आप देखें तो आपको 6 पॉइंट्स मिल चुके हैं सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर। अब आपने बारी बारी टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले हम पॉइंट D के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। उसका प्रोसीजर ये है, कंपास यू रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, फिर इस पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर इस आर्क से आगे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर इन दोनों आर्क से ऊपर की तरफ एक एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ ये दोनों आर्क्स मिल रही हैं उनको ज्वाइन कर देंगे हम पॉइंट डी के साथ और उस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। ये हमारे पास फर्स्ट टेंजेंट आ गया पॉइंट डी के ऊपर। इसी तरह हमने मज़ीद टेंजेंट्स भी बनाने हैं बारी बारी। नेक्स्ट हम ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट ई के ऊपर, तो आप देखें ये दो टेंजेंट्स मिल रहे हैं पॉइंट एस के ऊपर। नेक्स्ट हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट एफ के ऊपर, अब देखें कि ये दो टेंजेंट्स मिल रहे हैं पॉइंट टी के ऊपर। नेक्स्ट हम ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पॉइंट ए के ऊपर, अब आप देखें कि ये दो टेंजेंट्स मिल गए हैं पॉइंट यू के ऊपर। और नेक्स्ट टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं पॉइंट बी के ऊपर और यहाँ पर आपको पॉइंट पी मिल गया। और फाइनल आखिरी टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे पॉइंट सी के ऊपर और यूँ लास्ट दो पॉइंट क्यू और आर मिल गए। अब अगर आप गौर से देखें तो आपका हेक्सागन बन चुका है PQRSTUP। दैट्स इट।